अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा PABX TC2000H का डीजा रिकॉर्डिंग और डीजा एक्टिवेशन। अभी हम OGM की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो OGM की रिकॉर्डिंग जो है ना, वो तीन किस्म की होती है। और एक होता है जो पुराने मॉडल होते हैं उसमें एक ही दफ़ा करनी पड़ती है, और जो नए मॉडल आ रहे हैं उसमें तीन दफ़ा। तो तीन दफ़ा जो है ना, उसका जो मैसेज है वो अलग अलग मैं आपको बताता हूँ कि मैसेज क्या पहले वाले में क्या करना होता है, दूसरी वाली में और तीसरी वाली में। पहले वाले में करना होता है रिकॉर्डिंग अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मतलूबा एक्सटेंशन नंबर मालूम है तो डायल करें, वरना ऑपरेटर की रहनुमाई के लिए 0 डायल करें, शुक्रिया। दूसरे वाले में आप रिकॉर्डिंग करेंगे, आपका मतलूबा एक्सटेंशन नंबर मसरूफ़ है, किसी दूसरे नंबर को ट्राई करें। ये दूसरा रिकॉर्डिंग हो गया। अब तीसरा करेंगे, इस वक्त तमाम लाइनें मसरूफ़ हैं, कुछ देर बाद फ़ोन करें। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहला मैसेज आप डायल करते हैं और उसने एक्सटेंशन नंबर डायल किया और वो नंबर मसरूफ़ है, तो आपको ये दूसरे वाला जो आपने रिकॉर्डिंग की होगी उसको वो सुनाई देगी कि आपका मतलूब एक्सटेंशन मसरूफ़ है, किसी दूसरे नंबर को ट्राई करें। आप वो दूसरे को भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी मसरूफ़ है, तो तीसरा मैसेज आपका आ जाएगा कि इस वक्त तमाम लाइनें मसरूफ़ हैं, तो कुछ देर बाद फ़ोन करें, ताकि वो फ़ोन काट के कुछ इंतज़ार कर ले, 10 मिनट 15 मिनट। तो रिकॉर्डिंग का मैं आपको बताता हूँ तरीका। रिकॉर्डिंग का तरीका ये है कि मैं हैंडसेट उठाऊँगा, *222 करूँगा और डीजा नंबर 1 रिकॉर्ड करना है तो 1 करूँगा। उसके बाद मैं ऐश करूँगा, मेरे कान में एक बीप आएगी, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको मतलूबा एक्सटेंशन नंबर मालूम है तो डायल करें, वरना ऑपरेटर के रहनुमाई के लिए 0 डायल करें, शुक्रिया। अब मेरे कान में आखिर में एक बीप आती है, उसके बाद आपने ऐश का बटन दबाना होता है। तो ये पहली रिकॉर्डिंग हो गई। अब मैं करता हूँ दूसरी रिकॉर्डिंग, फिर करूँगा *222 और रिकॉर्डिंग जो होगी OGM रिकॉर्डिंग वो दूसरी होगी, और उसके बाद ऐश होगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका मतलूबा एक्सटेंशन मसरूफ़ है, आप किसी दूसरे नंबर पर ट्राई करें। और ये भी जो है ना रिकॉर्ड हो गया, और उसको भी आप बंद करके उठा लेंगे। अब तीसरा हम करेंगे *223 और ऐश, इस वक्त तमाम लाइनें मसरूफ़ हैं, कुछ देर बाद फ़ोन करें, शुक्रिया। ये मैंने तीनों रिकॉर्डिंग कर ली है। अब तीनों रिकॉर्डिंग के बाद इसको चेक करने का जो तरीका है वो आपको बताता हूँ। ये आप मैंने हैंडसेट रख लिया, ये देखिए मैं हैंडसेट दबाता हूँ, और रिकॉर्डिंग चेक करने का होता है *231 एश। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको मतलूबा एक्सटेंशन नंबर मालूम है तो डायल करें, वरना ऑपरेटर के रहनुमाई के लिए 0 डायल करें, शुक्रिया। ये आपने दूसरा रिकॉर्डिंग सुन लिया। अब इसको बंद करके मैं दोबारा टोन लूंगा *233 और दूसरी रिकॉर्डिंग और एश। अस्सलाम वालेकुम, आपका मतलूबा एक्सटेंशन मसरूफ है, आप किसी दूसरे नंबर। ये दूसरा भी हो गया, ये मैंने लगा लिया *233 और तीन नंबर को वो करना है। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त तमाम लेने मसरूफ हैं, कुछ देर बाद फोन करें, शुक्रिया। ये आपने देख लिया, ये तीसरा भी रिकॉर्ड हो गया। अच्छा OGM तो हमारी रिकॉर्डिंग तो हो गई है, तो अभी इसको एक्टिव किस तरह करना है। तो इसका जो है ना, अगर आपने ऑपरेटर अटेंड यानी OGM को नहीं चलाना है, ऑपरेटर बैठा हुआ है, ऑपरेटर अटेंड करेगा कॉल और ट्रांसफ़र करेगा, तो उसके लिए जो कोड होता है वो हैंडसेट उठाएंगे, और ये हैंडसेट उठाने के बाद *221 और एश करेंगे। *221 एश किया,
तो ये जो आपका है ऑपरेटर के ऊपर काले आने शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने ओजीएम चलाना है ताकि एक्सचेंज जो है ना ऑटो अटेंड पे चला जाए, तो उसके लिए फिर जो है ना आपको हैंडसेट हटाएंगे और *200 और एश करेंगे। अब इस वक्त जो है ना आपका एक्सचेंज ऑटो मोड पे आ गया, और एक्सचेंज अगर बाहर से कोई कॉल आती है तो ऑपरेटर के पास कॉल नहीं आएगी, ओजीएम जो आउटगोइंग मैसेज आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो बोलेगा, वो डायरेक्ट एक्शन करेगा। तो ये ओजीएम को एनेबल्ड और डिसेबल का तरीका हो गया। अच्छा, तो अभी जो मैंने आपको बताया उससे तो सारे के सारे ट्रंक ऑटो पे चले जाते हैं या ऑपरेटर मोड पे आ जाते हैं। अब हमने अलग अलग भी करना है कि अगर आप दो ट्रंक जो है ना ऑपरेटर के थ्रू करते हैं और दो को ऑटो अटेंड पे करते हैं तो उसका तरीका अलग मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए ये है कि हैंडसेट उठाएं और *2 करें और ट्रंक नंबर जो है ना 02 करें और एश करें। ऐसे अब जो है ना ट्रंक नंबर जो हमारा 2 है ना वो ऑटो मोड पे चला गया। और उसके बाद अगर एक और ट्रंक भी करना चाहते हैं तो उसके बाद करें *200, तो 20 के बाद ट्रंक 4 को करने हैं तो 4 कर लें और फिर कर लें एश। तो पहले *202 हमने किया था, यानी 20 तो उसका कोड होता है 2 किया था, फिर उसके बाद हमने किया *202 और 4 जो है ना ट्रंक नंबर। तो ये दो ट्रंक जो है ना अभी ऑटो अटेंड पे होंगे और बाकी जो है ना वो ऑपरेटर मोड पे होंगे। तो ये आज मैंने आपको ओजीएम रिकॉर्डिंग और उसकी एक्टिवेशन का बता दिया है। तो वीडियो आप ख़त्म करते हैं। तो ये एक्सचेंज हमारा जो PABX TC 2000B मॉडल है इसकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है। पहले part 1 और part 2 जो है ना पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हुए थे, आज ये part 3 भी हो गया है। तो बस इसकी प्रोग्रामिंग जितनी भी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।